अगर आप अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हैं, तो जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन को बिल्कुल ना भूलें। फॉर्मल से लेके पार्टी वेयर, वेडिंग स्पेशल क्लोथ से लेकर खुद दूल्हे के कपड़ों तक, यहाँ नॉर्मल और एवरेज से लेकर ब्रांडेड इंपोर्टेड कपड़े सभी अवेलेबल हैं। एक ही दुकान में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पहनना चाहते हैं। एक बार विजिट जरूर करें और स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन बियॉन्डी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त घड़ी में तकरीबन 2 बजे, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां पर सड़क का निर्माण का काम किया जा रहा है। यहां पे काफ़ी ज़्यादा खड्डा होने की वजह से लोगों ने शिकायत की नफीस अंसारी को। नफीस अंसारी ने लेटर उपायुक्त को दिया, उपायुक्त ने फौरन ही एक्शन लेते हुए यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विकास का कार्य किया जा रहा है और पूरी सड़क बनाई जा रही है। मैं आपको बता दूँ, ये सड़क हसीन फरहान सिनेमा से लेके निज़ामपुरा पुलिस चौकी तक की ये पूरी सड़क बनाई जाएगी। और आइए हम अब चलते हैं नसीब अंसारी से, पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और किस तरह से ये आगे का कार्य शुरू किया गया। जानकारी देंगे, रात में 2 बज गया है और यहाँ पर रोड का काम चालू है। किसके तरफ से किया जा रहा है बताएंगे इसके बारे में? ये जो काम हो रहा है, संदीप भाई और सोहेल भाई, आप लोग का मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो काम आज चालू हुआ है, इसका लेटर मैंने 10/1/2023 को उपायुक्त को, पुजारी सर को जाके और हमारी टीम ने जाके उनको मिला, जिसमें हमारे उदय साहब की शिवसेना भारतीय कामगार संगठन के भिवंडी सर जिला प्रमुख नजीर सब्बीर शेख, सफीक अंसारी उपाध्यक्ष, मुजम्मिल खान उपाध्यक्ष, वसीम भाई उपाध्यक्ष और हम सब लोग ने मिल के जाके पुजारी सर को अर्जेंट में इसके तत्काल के लिए हमने मांगनी की, क्योंकि जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और यहाँ के लोग जो है तो हमें मुझे घड़ी घड़ी बोल रहे थे कि आप इस रोड का कुछ करिए। तो हमने तत्काल में जाके पुजारी सर को मिला, उन्होंने अर्जेंटली हमको विश्वास दिलाया था कि 1-1.5 महीने के अंदर हम ये काम करके आपको देंगे और उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ आयुक्त साहब का भी और हमारे गावड़े साहब का, हाँ लेटर जो था तो मेरा लेटर, ये लेटर है देखिए मेरे पास, जिसमें मैंने मेरा लेटर दिया था 10/1/2023 को आयुक्त साहब को मैंने दिया था। फिर उसके बाद मैंने एक लेटर हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब को दिया था, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिलाया था कि बोले नफीस भाई ये काम के लिए मैं फौरी तौर पर एकदम रेडी और जल्दी जल्दी ये काम मैं आपको करा के दूंगा। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब का भी और संजय भाई मात्रे साहब का भी। ये काम कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? ये काम जो हमने हसीन टाकिस से लेके निजामपुरा पुलिस स्टेशन तक की मांगनी की थी और इंशाल्लाह अभी काम की शुरुआत हो चुकी है और ये अभी अम्बेडकर नगर तक ये जा रहे हैं वहाँ पर, अरे सुबह तक ये रोड मुकम्मल हो जाएगी। मैं ग्रुप सामाजिक संस्था के पदाधिकारी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, राहुल तांबे, किरण निगम, विक्की जादव, अजय डोंडे, आदेश डोंडे, इन सब लोग का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है और साथ साथ इन्होंने मुझे कॉपरेट भी किया इस मामले के अंदर, इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब ज़रूरी था ये, इस रोड के लिए काम की ज़रूरत थी, नफीस भाई ने अपना भाग दौड़ करके जो काम करवाया अच्छा है और आने जाने वालों के लिए भी मतलब अच्छा हो गया, बेहतर हुआ ये रोड पे ये काम रहा। गड्ढे थे बहुत सारे यहाँ पे, गाड़ी रुकती थी, ट्रैफिक होती थी, मसला होता था इसकी वजह से। बहुत अच्छा हुआ नफीस भाई भाग दौड़ के मेहनत करके उन्होंने अच्छा किया काम।